बैक इन आवर शो शाइनिंग स्टार। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच बॉलीवुड के गलियों में नाम कमाने वाले कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जो नेम और फेम गेन करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज एक बार फिर से इस प्रोग्राम में बात करेंगे आप सभी के फेवरेट सितारों की ग्लैमरस लाइफ के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और बढ़ते हैं अपनी स्पेशल एपिसोड की रिपोर्ट की तरफ। लेकिन 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 इससे पहले कि आप हमारी रिपोर्ट पर नज़र दौड़ाएं, आपको शॉर्ट डिटेल में बताते हैं कि आज हम सबसे पहले किन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बता दें, हम बात करेंगे सलमान खान की। वैसे तो आप ये तो जानते ही हैं कि सलमान ने बॉलीवुड में कितने सारे एक्टर्स की किस्मत चमकाई है और अब वो अपनी अपकमिंग फिल्म रेस 3 से बॉबी देओल के करियर को संवारने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच हमारे हाथ एक और खबर लगी है, वो ये है कि सलमान खान अब अपने भाई यानी कि सोहेल खान के भी बर्बाद करियर को संवारने में लगे हुए हैं। अब वो अपने भाई के करियर को कैसे संवारने में लगे हैं, इसके लिए तो आपको ये प्रोग्राम देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। और ऐसे ही कई स्टार्स की मजेदार खबरों के लिए देखिए हमारी ये खास प्रोग्राम शाइनिंग स्टार। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान ने बॉलीवुड में कई एक्टर्स की किस्मत चमकाई है और हाल ही में अपनी फिल्म रेस 3 में बॉबी देओल की भी किस्मत चमकाने में लगे हुए हैं। और अब खबर आ रही है कि सलमान खान अपने भाई की डूबी किस्मत को संवारने में लगे हुए हैं। जी हाँ, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोहेल खान जल्द ही छोटे पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। खबर ये है कि एक टीवी सीरीज में नजर आने वाले हैं और खास बात तो ये है कि इस शो को प्रोड्यूस उनके भाई और बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान करने वाले हैं। खबरों की माने तो उनका यह शो रेसलर द ग्रेट गामा के जीवन पर होगा। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि शो की टीम ने बीते साल पटियाला में पहला इस सीरीज के कुछ एपिसोड शूट भी कर लिए हैं। वहीं खबरों की माने तो ये भी डिसाइड हो चुका है कि ये शो कौन से चैनल पर टेलीकास्ट होगा और शो के अगले एपिसोड्स की शूटिंग मुंबई और लंदन के स्टेडियम में किए जाएंगी। वेल, अब देखने है कि सलमान के भाई सोहेल टीवी पर अपना क्या जलवा दिखाते हैं, साथ ही साथ दर्शकों को इम्प्रेस कर पाते हैं या फिर नहीं। बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 की शूटिंग में काफी बिजी हैं। लेकिन आज हम सलमान की नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड यूलिया की बात करने जा रहे हैं, जो अपने हॉट अंदाज की वजह से आजकल काफी खबरों में बनी हुई हैं। जी हां, आपको बता दें, सलमान खान की गर्लफ्रेंड यूलिया वेंतूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करी है, जिसमें वो पानी के अंदर आग लगाती हुई नजर आ रही है। बता दें, यूलिया वेंतूर तस्वीरों में स्विमिंग पूल में बेहद कातिलाना अंदाज के साथ पोज देते हुए नजर आ रही हैं। बता दें, इन फोटोज को यूलिया ने खुद फैंस के साथ सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, साथ ही कैप्शन भी डाला है जिसमें लिखा है, कुछ लम्हे बेहद खूबसूरत होते हैं, आपको ये वीकेंड मुबारक हो, खुशी से भरी प्यारी और कीमती यादें। तस्वीरों में यूलिया पानी में काफी मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। जानकारी के लिए बता दें, पहली बार नहीं है जब सलमान की गर्लफ्रेंड यूलिया वेंतूर ने अपनी हॉट फोटो सोशल मीडिया पर डाली हो। इससे पहले भी यूलिया वेंतूर अपनी हॉट और सेक्सी फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर डालती दिखाई देती हैं और साथ ही उनके फैंस भी उनकी इन फोटोज को बेहद पसंद करते हुए दिखाई देते हैं। वेल, अगर हम बात करें सलमान खान और यूलिया की रिलेशनशिप की, तो बता दें ये दोनों कभी अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड की इन फोटोज को देखते ही उन पर फिदा हो जाएंगे। बॉलीवुड की फैशन दीवा सोनम कपूर की शादी की तैयारियां खूब जोरों पर हैं। वहीं उनके फैंस ये तक जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि सोनम कपूर अपनी शादी और शादी के फंक्शंस पर क्या पहनने वाली हैं। और अब सोनम के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि सोनम कपूर अपनी मेहंदी सेरेमनी में क्या पहनने वाली हैं। बता दें, सोनम कपूर अपनी मेहंदी पर एक सिंपल सी सफेद रंग का लहंगा चुनरी पहनने वाली है, जिस पर खूबसूरत डिजाइन प्रिंट किया गया है। इस लहंगे का दुपट्टा हरे रंग का है। इसी के साथ आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही सोनम ने बताया था कि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भारी डिजाइन वाली ड्रेस पहनूं। वेल, आपको बता दें, सोनम अपनी शादी पर
फैशन डिजाइनर अनामिका खन्ना के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनेगी। अनामिका ही सोनम की शादी की सारी ड्रेसेस तैयार करेंगी और अब ये देखना हम सबके लिए काफी एक्साइटेड होगा कि अपने फैशन सेंस के लिए पहचाने जाने वाली सोनम कपूर अपनी शादी पर कैसा लुक कैरी करती हैं। तो देखा इस रिपोर्ट में आपने कि किस तरह से सलमान अपने भाई यानी कि सोहेल खान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये बात तो सभी जानते हैं कि सलमान अपने परिवार वालों से कितना प्यार करते हैं और अब अपने भाई के करियर को संवारने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ, जिसमें आपको कई और स्टार्स के बारे में मजेदार खबरें जानने को मिलेंगी। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की बेबी डॉल सनी लियोन इन दिनों अपने बायोपिक को लेकर चर्चाओं में है। जी हाँ, दूसरी तरफ सनी के पति डैनियल को लेकर खुलासा हुआ है। हर कदम पर सनी का साथ देने वाले डैनियल ने बताया कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने नया पति चुन लिया। जी नहीं, सनी लियोन ने दूसरी शादी नहीं की है, बल्कि सनी ने एक शख्स को चुना है जो उनके पति का किरदार निभाएगा। जी हाँ, और ये बात सोशल मीडिया में फैल चुकी है कि उनके पति का किरदार डैनियल नहीं बल्कि कोई और निभाएगा। बता दें कि बायोपिक में सनी अपना किरदार खुद निभाते हुए नजर आएंगी। बता दें कि किरदार पहले डैनियल को ऑफर किया गया था, लेकिन उनके मना करने के बाद तब ये रोल साउथ अफ्रीका के एक्टर मार्क बगनर को दिया गया। इसी के साथ आपको बता दें, जब डैनियल ने इस बात का भी खुलासा किया कि आखिरकार उन्होंने ये किरदार क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इतनी खास एक्टिंग नहीं आती, बाकी जो समय वो शूट पर देंगे उससे ज्यादा वो अपने पेंडिंग काम को पूरा कर सकेंगे। बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस रह चुकी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। भले ही बॉलीवुड की फिल्मों में वो नजर ना आती हों, लेकिन उनके दीवाने बॉलीवुड में आज भी हैं। बल्कि बॉलीवुड में ही नहीं, उनके दीवाने हॉलीवुड में भी हैं। बता दें, हॉलीवुड में एक शख्स शिल्पा का दीवाना हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें, हाल ही में ब्रिटिश लेखक, मेडिकल जर्नलिस्ट और टेलीविजन होस्ट माइकल मोसले का कहना है कि इंडियन एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी में काफी एक्साइटमेंट है और उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करना मजेदार होगा। जानकारी के लिए बता दें, मोसले ने इस साल की शुरुआत में भारत आगमन के दौरान सोनी बीबीसी अर्थ के प्रोग्राम में पहली बार शिल्पा शेट्टी से मुलाकात करी थी। बता दें, मोसले ने कहा, मुझे शिल्पा से मिलकर काफी अच्छा लगा, उनमें काफी एक्साइटमेंट है, हमने फिटनेस से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की और मुझे लगता है कि ये हम में काफी सिमिलर चीजें हैं। इतना ही नहीं, मोसले ने आगे कहा कि एक साथ काम करना मजेदार रहेगा क्योंकि मैं खाने पीने और फिटनेस के मामले में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। बॉलीवुड के मशहूर रैपर यानी कि योयो हनी सिंह को तो सभी जानते हैं। हनी सिंह ब्लू आईज और लव डोज जैसे म्यूजिक वीडियो से सबको अपना दीवाना बना चुके हैं। और ये बात तो सभी जानते हैं कि हनी सिंह काफी लंबे वक्त के लिए कहीं गायब हो गए थे और इसी दौरान खबरें ये भी आ रही थी कि हनी सिंह नशे करने की वजह से बर्बाद हो गए हैं और इसी वजह से उनकी तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ गई है। लेकिन अब हनी सिंह के फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आपको बता दें, हनी सिंह एक बड़े म्यूजिक वीडियो से वापसी करने वाले हैं और उसकी जबरदस्त तैयारियां कर रहे हैं। और हाल ही में हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें वो अपने बाइसेप्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है, अपने कमबैक वीडियो के लिए बाइसेप्स बढ़ा रहा हूं, मैं एक वीडियो की शूटिंग कर रहा हूं, इसके लिए मेगा लुक की जरूरत है, आपका प्यार और सपोर्ट दें। वेल, आपको बता दें, हनी सिंह ने दिल चोरी और छोटे छोटे पैक के साथ अपने नए साल की दमदार शुरुआत की थी और फिलहाल कई गानों पर भी काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के रोमांस किंग यानी कि शाहरुख खान जितने फेमस है उतनी ही उनकी बेटी सुहाना खान भी काफी ज्यादा फेमस हो गई हैं। बता दें, सुहाना खान की गिनती इंडस्ट्री के सबसे चर्चित स्टार किड्स में से होती है। बता दें, सुहाना खान की वीडियो और तस्वीरें अक्सर वायरल होती ही रहती हैं और अब सुहाना के एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें वो अपनी दोस्त को हेयर स्पा ट्रीटमेंट देती दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें, वीडियो में सुहाना के साथ उनकी दो दोस्त दिखाई दे रही हैं, जिसमें से सामने बैठी एक लड़की को सुहाना और उनकी दूसरी फ्रेंड हेयर स्पा कर रही हैं। और वीडियो देखने के बाद ये तो साफ पता चल रहा है कि शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान अपने दोस्तों का कितना ख्याल रखती है और उनके दोस्तों से कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। जानकारी के लिए बता दें, सुहाना बॉलीवुड में आने से पहले ही इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है कि सोशल मीडिया पर फैंस उनकी वीडियोस और फोटोज का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। बता दें, शाहरुख खान की बेटी सिर्फ 17 साल की है और अपने पापा की तरह ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती है।
साथ ही साथ सुहाना की फैंस भी उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। वेल, अब देखने हैं कि सुहाना बड़े पर्दे पर कब नजर आती हैं और अपना क्या जलवा दिखाती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने आप सभी के फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स के बारे में, जिनकी वजह से स्टार्स काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। वेल, अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।